हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ एंड एक और नए प्रोडक्ट के साथ जो कि है बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट। सो ये मैंने मंगाया था एक स्टोर से जो कि पुणे में है एंड लगभग ये एक हफ्ते पहले मुझे डिलीवर हुआ था, बट थोड़ा बिजी चल रहा था एंड टाइम नहीं मिला अनबॉक्स करने का। आई मीन अनबॉक्स कर सकता था मैं, बट कैमरे के सामने अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिला। तो आज फाइनली मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इसको एंड आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है। तो आपने वैसे टाइटल से समझ ही गया होगा कि एक बैग है, बट क्यों ये बैग इतना स्पेशल है एंड क्यों मैंने मंगाया वो मैं आपको बताता हूँ। बट पहले चल के करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन कैसे, ऐसे ऐसे करते हैं अनबॉक्सिंग। तो कुछ ऐसा दिखता है इसकी पैकिंग। तो सबसे पहले तो आती है ये स्टोर की बुकलेट एंड ये हो गई इनवॉइस जो कि इस प्रोडक्ट की इनवॉइस है एंड ये कुछ स्टिकर। सो जो स्टोर का नाम है वो है ओपन रोड पुणे में, इट इज़ इन फिनिक्स मॉल, फिनिक्स मार्केट सिटी इन पुणे। एंड इसके अलावा ये आता है सबसे मेन जो कि है ये बैग। मैंने निकाल लिया है बैग प्लास्टिक बैग में से एंड कुछ ऐसा दिखता है। सो अगर आप देख रहे हैं तो ये है रोड गॉड्स का बैग जो कि है जेटर। तो इससे पहले घोस्ट एंड रुद्रा ऐसे ये सारे बैग्स जो थे बहुत फेमस हुए थे एंड दिस वन इज़ काइंड ऑफ अ लेटेस्ट वन जो कि रोड गॉड्स की तरफ से है। द फर्स्ट थिंग यू वुड फील अबाउट दिस बैग इज़ दैट दिस बैग लुक्स रियली स्टाइलिश। तो आप देख सकते हो इसमें प्रीमियम जो है लेदर फिनिश है विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, मतलब कि आपके बैग को एक बहुत ही अच्छा लुक देता है, डजंट लुक लाइक अ नॉर्मल चीप बैग और एनीथिंग सॉर्ट ऑफ। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके जो जिप्स हैं, अगर आप देख सकते हो इसके जिप ओपन होते हैं यहाँ से। यूजली बैग में होता है कि बैग के जिप्स ओपन होते हैं यहाँ फ्रंट साइड में। सो दिस इज़ लाइक एन एंटी थेफ्ट बैग जिसमें कि जिप ओपन होते हैं यहाँ से। सो अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो बस में या ट्रेन में, तो कोई भी आपके बैग में से सामान नहीं चोरी कर सकता है बिकॉज इट हैज गॉट द जिप विच इज हियर जो कि आपके बैक जो आपको पीठ है उसके पास होगा। सो इसको मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है। ये देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। एक स्पेशल कंपार्टमेंट है इसका जो कि ये लैपटॉप के लिए है, लैपटॉप डालने के लिए। एंड ये जो कंपार्टमेंट है इसमें आप डाल सकते हैं आपके कैमरा वगैरह कुछ भी। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाउच बने हुए हैं ऐसे, जैसे कि ये है एंड देन यहाँ पे है, एंड बहुत सारे ऐसे पाउच बने हुए हैं जिसमें कि आप अपना सामान आसानी से रख सकते हो। अगर आप ऐसे और गौर से अगर आप देखो तो यहाँ पे भी और ऐसे दो छोटे पाउच बने हैं, तो काइंड ऑफ छोटा छोटा जो सामान होता है वो सब रख सकते हो। एडिशनली उसके अलावा ये जो लैपटॉप वाला जो साइड है जहाँ पे आप लैपटॉप रख सकते हो, तो ये ऐसे बनाया हुआ है। इसमें भी अगेन इतने सारे पॉकेट्स हैं, लैपटॉप डालने के लिए जगह है। लैपटॉप के अलावा अगर आप कुछ आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो यहाँ पे। एक और जिप भी दिया हुआ है छोटा मोटा कुछ सामान रखने के लिए। सो काइंड ऑफ यूटिलिटी वाइज बहुत ही अच्छे तरह से ये डिज़ाइन किया हुआ है। एंड एक और चीज़ जो कि इम्प्रेसिव है कि इसमें इसके बैक में ही ऐसे छोटे पॉकेट्स हैं यहाँ पे, जिसमें कि आप अपने शेड्स वगैरह या कुछ जो रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें हैं, जैसे आपको चाबी है आपको बार बार यूज़ लगता है, सो आप इसमें रख सकते हो जिससे कि आपको पूरा बैग ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वे इट इज़ गुड। एंड ये आपकी जो बैग जहाँ पे लगती है दिस इज़ ऑल्सो हैज़ गॉट कुशन, सो मतलब इससे आपका पीठ दर्द नहीं होगा। तो दैट्स अनदर गुड पार्ट जिस वजह से ये बैग जो है रिकमेंडेड है।
एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लैपटॉप के लिए है या फिर सिर्फ कैमरे के लिए. इवन द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कैन यूज़ इट, ऑफिस गोइंग पीपल कैन यूज़ इट. आप कुछ भी, आपका जिम इक्विपमेंट्स जैसे जिम के क्लॉथिंग वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें कैरी कर सकते हो. सो दैट इज़ अनदर गुड पार्ट अबाउट दिस. एंड इसके अलावा जो पूरे प्रोडक्ट डिटेल्स है, जैसे कि इसका साइज स्पेसिफिकेशंस, इनकी जो कैपेसिटी है, लीटर कैपेसिटी जिसमें मेजर होता है, वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो. तो अब बात करते हैं कि मैंने ये बैग क्यों मंगाया एंड व्हाई डिडंट आई यूज़ द बैग व्हिच आई गॉट विद दिस कैमरा. सो आपको पता ही होगा कि मैंने ये कैनन 200D लिया है एंड उसके साथ भी मुझे बैग मिला था जो कि ऐसा कुछ ऐसा दिखता था. इट्स इस काइंड ऑफ वेरी स्मॉल बैग एंड इसमें मतलब कैमरा तो आ जाता था, बट बिकॉज आई हैव गॉट द रोड माइक एंड देन आई एम कैरिंग द जोबी का ट्राईपॉड एज वेल, सो इट वॉज नॉट रियली ईजी टू फिट एवरीथिंग हियर. एंड देन इसका स्ट्रैप भी बहुत छोटा था, सो कैरी करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी. एंड प्लस इट्स नॉट जस्ट दैट आई हैव दिस कैमरा इक्विपमेंट, इसके अलावा मेरे पास जैसे मेरा एक्शन कैम है एंड और भी बहुत सारे मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं जो कि मुझे कैरी करने होते हैं. सो आई कैन पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर इन दिस वन बैग एंड आई कैन कैरी देम, जो कि दिखने में भी बहुत स्टाइलिश है. मैं आपको कुछ उसके शॉर्ट्स भी दिखा देता हूँ. जैसे कि अब अभी हम बात कर रहे हैं तो आप उसको आपको ये शॉर्ट्स दिख रहे होंगे कि जब आप पहन के चलते हो तो हाउ डज़ दिस बैग लुक, एंड उसके अलावा अगर आप राइड कर रहे हो तो हाउ डज़ द बैग लुक, तो वो भी शॉर्ट्स आप देख रहे होंगे अभी आपके स्क्रीन पर. सो दैट इज़ द अनदर रीज़न वाई आई गॉट दिस बैग. एंड चलते हैं प्राइस की तरफ. सो price wise this bag is priced at about 2699 manufacturer ki website pe, but because maine kaha ki maine pune se mangaya hai, the reason because manufacturer ki website pe out of stock tha. सो पुणे में एक स्टोर है जो कि ओपन रोड है, उसके पास अवेलेबल था तो मैंने वहाँ से मंगाया है ये. एंड इट वाज ऑलमोस्ट द सेम प्राइस जो कि मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट का है. तो आई वुड फील दैट 2699, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 2700 इज़ रियली अ गुड प्राइस फॉर दिस बैग. एंड ऑब्वियसली है यार कि इतनी बड़ी कंपनी है, सो ऑब्वियसली वो अच्छा ही प्रोडक्ट बेचेगी, कोई आम सा प्रोडक्ट नहीं बेचेगी. यू नो यू स्पेंड मनी ऑन अ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट एंड कल को वो ख़राब होता है तो यू विल हैव टू री इन्वेस्ट इट. तो दो दो बार इन्वेस्ट करने से अच्छा है एक ही बार इन्वेस्ट करो, ज़्यादा इन्वेस्ट करो एंड अच्छी क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि रोड गॉड्स इज़ अ गुड कंपनी. सो इसीलिए मैंने ये इन्वेस्ट किया एंड ये प्रोडक्ट मुझे मिला है. सो अभी के लिए बस इतना ही है एंड आऊँगा मैं और बहुत सारे वीडियोज़ के साथ और बहुत सारे कंटेंट के साथ, बट आपका सपोर्ट चाहिए उसके लिए मुझे. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक साल हो गया है मुझे मेहनत करते हुए एंड आ रहे हैं मुझे व्यूज़, आ रहे हैं, नॉट डिसअपॉइंटेड. बट देन और आप लोग मुझे व्यूज़ आपके थ्रू ही मिलेंगे एंड आप ही अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा कि एक मैंने वीडियो अपलोड की है. सो प्लीज़ 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 जाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. एंड अगर कुछ भी डाउट्स है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यू हैव ऑलवेज़ वेलकम टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो. एंड हमेशा मैं अपने कमेंट्स का रिप्लाई पक्का देता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर करता हूँ, मैं पक्का रिप्लाई देता ही हूँ. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ. एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.